नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री अकेडमी में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमारी पहली क्लास है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, अन्नदाता बैच की पहली क्लास है। पहले हमने जो है आपका सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, एक क्लास में। आज जो है हिंदी व जो आपके पिछले साल के पेपर है, जो मतलब आपका इसी साल का 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उसको आपका चार सेक्शन में बांट के फुल सॉल्यूशन, मतलब कि आंसर तो होगा ही होगा इसमें, साथ में आपको एक डिस्क्रिप्शन या विस्तृत व्याख्या जो है मिल जाएगी, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन उस क्वेश्चन का जो है आपको, जो है 15 15 क्वेश्चन करके, ठीक है, 15 क्वेश्चन करके आज 15 क्वेश्चन आपके डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल 2023 के जो है अभी डिस्कस कर ले रहा हूँ, बाद में जो है आपका जो टॉपिक चलेगा उसके हिसाब से जो है क्वेश्चन आपके उठा के जो है आपके डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अभी 2023 का पेपर जो है हल 2023 हल प्रश्न पत्र भाग एक जो है आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपके 15 प्रश्न जो है उठाए गए हैं आपके एग्जाम पेपर से। IBPS SOAFO कृषि क्षेत्र अधिकारी का अन्नदाता बैच आज से शुरू किया गया है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग अमन ढिमोले जी, गुड इवनिंग। बढ़िया से क्लास से जुड़ जाइए जो AFO की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जिसको हम चार पार्ट में जो है डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका पूरा पूरा आपको सॉल्यूशन भी साथ में करवाते जाएंगे। पिछले सालों के सॉल्व पेपर जो है पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपनी जो है क्लास स्टार्ट करेंगे शुरुआत से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, जो भी ये क्वेश्चन है आपके IBPS AFO 2023 के पूछे गए क्वेश्चन है, मे सोन इन मानसून एंड रबी सीजन, मक्का मानसून और रबी मौसम में बोया जाता है। ऑप्शन ए पारंपरिक विधि से, ऑप्शन बी फर्रोक या कूड़ प्रणाली से, ऑप्शन सी रिज सोइंग या रिज बुवाई से, या ऑप्शन डी रोपाई से या ट्रांसप्लांटिंग से, ऑप्शन ई समतल क्यारी विधि से। जो आपका जो मतलब बच्चे AGTE की तैयारी कर रहे हैं उनके चार कोई ऑप्शन रहते हैं, लेकिन जो आपका AFO है उसमें आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए रहते हैं, ठीक है। तो बताइए मक्का मानसून और रबी मौसम में कैसे बोया जाता है। ए पारंपरिक विधि या कन्वेंशनल मेथड से, बी फर्रो मेथड या कूड़ प्रणाली से, सी रिज सोइंग या रिज बुआई, डी ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई, या ई फ्लैट बेड मेथड या समतल क्यारी विधि। जल्दी से आंसर लिख दो ABCD कमेंट बॉक्स में। बात करें आपके सही उत्तर की, तो यहां पर आपका सही उत्तर है रिज बुआई या रिज सोइंग, ठीक है। जो पहले तो मैं आपको रिज दिखा देता हूं, आप ये बताओ मक्का की जो बुआई है आप रिजिस पे करते हैं ना, ये जो आपकी रिज है, या जिसे आप रिज बुआई उठी हुई क्यारी जिसे कहते हैं, जो आपकी नीचे वाली को क्या कहते हैं फर्रो कहते हैं, और जो ऊपर वाली जिसे कूड़, फर्रो को कूड़ भी कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं कूड़ भी कहा जाता है, ठीक है। और जो आपकी उठी हुई क्यारी है, उठा हुआ भाग है, इसे हम क्या कहते हैं रिज कहते हैं, ठीक है। तो जो मक्का की बुआई है वहां पर मेनली मोस्टली हम कहाँ पर करते हैं रिजिस पर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो देखिए रिज सिस्टम क्या कहलाता है, यह मानसून, इसे रेज्ड बेड प्लांट या रिज सोइंग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है रेज्ड बेड प्लांट या रिज बुआई या उठी हुई क्यारी रोपण विधि भी कहा जाता है। यह मानसून और सर्दियों के मौसम के दौरान अतिरिक्त नमी के साथ सीमित सिंचाई उपलब्धता की स्थिति में मक्का के लिए सबसे अच्छी विधि है। कौन सी? रेज्ड बेड प्लांटिंग या रिज सोइंग, ठीक है। बुआई पूर्व या पश्चिम मेड़ों क्यारियों के दक्षिणी भाग में करनी चाहिए। जो जो बुआई है पूर्व पश्चिम मेड़ों या क्यारियों के दक्षिण भाग में करनी चाहिए, जिससे अच्छा अंकुरण होता है। रोपण उचित दूरी पर किया जाना चाहिए, मतलब जो रोपण की दूरी है वो उचित दूरी पर किया जाना। अधिमानता इन इनक्लाइंड प्लेट कपिंग या रोलर टाइप सीड मीटरिंग सिस्टम वाले उठे हुए बेड प्लांटर का उपयोग रोपण के लिए किया जाना चाहिए, जो एक ऑपरेशन में बीज और उर्वरकों को उचित स्थान पर रखने की सुविधा प्रदान करता है। जो अच्छी फसल स्टैंड या मतलब जो फसल खड़े होने के लिए अच्छी उच्च उत्पादकता और संसाधन उपयोग दक्षता प्राप्त करने में मदद करता है, ठीक है। उठी हुई क्यारी रोपण तकनीक का उपयोग
करके उच्च उत्पादकता के साथ साथ 20 से 30% सिंचाई जल को भी बचाया जा सकता है। ठीक है, ये तो होगी आपकी रिज बुवाई या उठी हुई क्यारी विधि। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। पार्चुरेशन इन रैबिट इज कॉल्ड एज, खरगोश में बच्चा देने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जो आपकी पार्चुरेशन टर्म है, जो आपकी पार्चुरेशन टर्म है, वो उसको कहते हैं बच्चा देने की प्रक्रिया, प्रसव की प्रक्रिया। ठीक है, तो जो खरगोश में बच्चा देने की प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फैरोइंग, ऑप्शन बी लैम्बिंग, ऑप्शन सी किडिंग, या ऑप्शन डी काविंग, या ऑप्शन ई किंडलिंग। जल्दी से लिख दो, ए बी सी डी ई। खरगोश में बच्चा देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए फैरोइंग, बी लैम्बिंग, सी किडिंग, या डी काविंग, या ई किंडलिंग। गुड इवनिंग जयप्रकाश जी। आंसर कर दो इसका, क्या होगा सही उत्तर? खरगोश में बच्चा देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फेरोइंग, लैम्बिंग, किडिंग, या काविंग, या फिर किंडलिंग। जयप्रकाश जी बिल्कुल सही उत्तर आपका, जो आपका ई ऑप्शन है, ए आपका हो जाएगा सही उत्तर। जो आपका खरगोश है उसमें बच्चे देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किंडलिंग। अमन जी लैम्बिंग नहीं होगा, लैम्बिंग आपका सीप में होता है। ठीक है, बात करें पार्चुरेशन की, विभिन्न जो पशु है उनमें बच्चे देने की प्रक्रिया की, या पार्चुरेशन जिसे कहते हैं, पार्चुरेशन की क्रिया जिसे कहते हैं हम, बच्चे देने की प्रक्रिया। तो जो फैरोइंग होती है वो होती है आपकी पिग या सुअर में, लैम्बिंग होती है आपकी सीप या भेड़ में, किडिंग होती है आपकी गोट या बकरी में, काविंग होती है आपकी गाऊ, गाय, बफेलो, भैंस या कैमल, ऊंट में, किंडलिंग होता है आपका रैबिट या खरगोश में, हैचिंग होता है आपका पोल्ट्री या मुर्गी में, या फॉलिंग होता है आपका हॉर्स या घोड़ा में। जो बच्चा देने की प्रक्रिया है उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है एएफओ। मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ, एक ना एक क्वेश्चन इससे आ रहा है। तो ये टर्म याद कर लीजिए कि फेरोइंग पिग में होती है, ठीक है, पार्चुरेशन में बच्चा देने की प्रक्रिया। फेरोइंग किसमें होती है? सुअर में या पिग में होती है। लैम्बिंग किसमें होती है? आपकी सीप या भेड़ में होती है। किडिंग किसमें होती है? गोट या बकरी में। काविंग होती है आपकी काऊ या गाय, बफेलो, भैंस, कैमल या ऊंट में। किंडलिंग होती है आपकी रैबिट या खरगोश में। हैचिंग होती है आपकी पोल्ट्री मुर्गी में। फॉलिंग होती है हॉर्स या घोड़ा में। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको एक प्रश्न है, प्रश्न के साथ जो आपका एक सॉल्यूशन है उससे आपको वो एक बहुत अच्छी मदद मिलती है। मैंने देखा है कि मैं जब क्वेश्चन लिखता था और फिर उसका मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिखता था तो वो मुझे याद हो जाता था। तो ऐसे ही आप करिए कि पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिखिए। मुझे इसमें बहुत मेहनत लगी पूरा का पूरा सॉल्यूशन निकालने में। ठीक है, तो आप नोट जरूर करिएगा ऐसे। ठीक है, आपके नोट करने से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है विभिन्न पशुओं के वैज्ञानिक नाम, मैंने ये ऐड कर दिए। ठीक है, जो विभिन्न आपके पशु है उनके वैज्ञानिक, जो आपकी देसी गाय होती है उसका तो नाम होता है आपका बॉस इंडिकस। ठीक है, और जो आपकी एग्जोटिक या विदेशी गाय होती है उसका नाम क्या होता है? आपका बॉस टॉरस या बॉस टॉरस जिसे लिखते हैं। ठीक है, और एक बात बताइए आप, जो आपकी विदेशी गाय होती है वो हम्प लेस होती है, हम्प के साथ होती है? ये जो हम्प होता है उसका, ये वाला हम्प आपने देखा होगा, ये देसी गाय में तो प्रेजेंट होता है, और जो क्या आपकी विदेशी गाय में भी प्रेजेंट होता है हम्प जिसे बोलते हैं? ठीक है, ये बताइए विदेशी गाय में प्रेजेंट होता है? यस नो लिख दीजिए आंसर, यस या नो। बात करें जो आपको देसी और विदेशी गाय को डिफ्रेंशिएट करने की बात है, तो आपकी जो विदेशी गाय होती है या एग्जॉटिक काउ होती है वो आपकी हम्प लेस होती है, उसमें हम्प नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल सही जयप्रकाश जी, नो, क्योंकि हम्प नहीं होता है। बात करें भैंस के बॉटेनिकल नेम की, तो बोबेलस, बोटेनिकल नेम नहीं तो वैज्ञानिक नाम यहाँ कहेंगे, साइंटिफिक नेम, तो जो बोबेलस बोबेलस जो आपका भैंस का वैज्ञानिक नाम है,
जिसे कुवड़ बोलते हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं जयप्रकाश जी। जो आपका ये कुवड़ होता है, जो आपकी देसी गाय होती है उसमें तो होता है, लेकिन जो आपकी विदेशी गाय होती है उसमें नहीं होता है। ठीक है, बात करें बकरी के बॉटेनिकल नेम की, सॉरी बॉटेनिकल क्या है, फसलें पड़ रहे हैं ना तो बॉटेनिकल नेम रहता है। ठीक है, बात करें बकरी के वैज्ञानिक नाम की, तो इसका होता है कैप्रा एगाग्रस हिरेकस, या कैप्रा एगाग्रस हिरेकस। भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ओविस एरीज, और सुअर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है सुस डोमेस्टिकस या सुस डोमेस्टिकस। ठीक है, और जो भी एग्रीकल्चर वाले छात्र हैं वो तो जुड़ जाइए, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्रीकल्चर आपका सब सेम आता है। ठीक है, तो बस आप पढ़ते रहिए, मेरा काम है पढ़ाना तो मैं पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, मुझे जुकाम दोबारा से हो गया है, इस वजह से थोड़ी सी आवाज का दिक्कत है, तो एडजस्ट करिएगा। अगर कि आपको लग रहा है कि आवाज की दिक्कत है तो लिख दीजिए यस नो। बात करें टर्मिनोलॉजी की, मैंने देखो ये शब्दावली से प्रश्न था, जो आपकी शब्दावलियां हैं उससे क्वेश्चन था, तो मैंने एक हर एक पशु की जो है शब्दावली को यहाँ पर ऐड कर दिया है। बढ़िया से बढ़िया गाय का डायग्राम बनाइए और उसकी पूरी की पूरी जो है शब्दावली को लिख लीजिए। मैंने यहाँ पर तो वैज्ञानिक नाम अलग से लिख दिए हैं, लेकिन जब आप शब्दावली लिखोगे ना तो उसी में आप जो है वैज्ञानिक नाम को भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो बात करें टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू काउ, गाय से संबंधित शब्दावली की, तो देखो ग्रुप को जो आपका गाय का ग्रुप होता है उसे तो कहते हैं हर्ड। ठीक है, और जो आपका एडल्ट मेल या वयस्क नर होता है उसे कहते हैं बुल या सांड, और जो आपका एडल्ट फीमेल या वयस्क मादा होती है उसे तो कहते हैं काऊ या गाय, और जो यंग मेल या युवा नर होता है उसे बुल काफ या बुल काफ कहा जाता है। ठीक है, जो यंग फीमेल या युवा मादा होती है उसे हीपर काफ कहा जाता है। न्यू बॉर्न बेबी जो नवजात शिशु होता है उसे काफ कहा जाता है, और जो आपका मीट होता है गाय का उसे जो कहा जाता है बीफ, और मीट ऑफ जो बछड़े का मांस होता है मीट ऑफ काफ होता है, या बछड़े का मांस होता है उसे कहा जाता है काफ व्हील या काफ व्हील कहा जाता है। ठीक है, और मेटिंग या समागम को कहते हैं सर्विंग। ठीक है, और जो पार्चुरेशन है संतति जनन या बच्चे देने की प्रक्रिया है उसे कहते हैं हम काबिंग। ये तो नोट कर लीजिए काऊ के केस में गाय के लिए। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान सुपरवाइजर की कर रहे हो, ठीक है, आप एग्रीकल्चर से, तो कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम को आप टारगेट कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आप बढ़िया से नोट करते जाइए, क्योंकि बहुत अच्छे से जो मतलब कि जैसे आपने काऊ का लिखा, काऊ का डायग्राम बना दिया वहां पर। ठीक है, और ये इमेज तो मैं आपको शेयर कर ही दूंगा। ठीक है, आपके इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, हर एक टर्मिनोलॉजी की आपकी इमेज मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है, यस नो लिख दीजिए, आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए ऐसे। जयप्रकाश जी यस नो लिख दीजिए, क्लियर है तो आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं बफेलो की टर्मिनोलॉजी की। तो बफेलो की टर्मिनोलॉजी है रिलेटेड टू, यहाँ पे सॉरी काउनी बफेलो होना चाहिए था, क्या है मैंने पूरा ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है और यहाँ पे पूरा वही कर दिया, यहाँ पर आप बफेलो लिख लीजिए। या भैंस से संबंधित, भैंस भैंस से संबंधित शब्दावली, यहां पर आप लिख लीजिएगा भैंस से संबंधित शब्दावली। सॉरी यहां पर गाय लिखा हुआ है, आप यहां पर क्या कर लीजिए, बफेलो कर लीजिए या फिर भैंस कर लीजिए। ठीक है, बात करें ग्रुप को, तो इसके ग्रुप को भी हम क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। अमन जी बोल रहे हैं कि पीडीएफ डाल दीजिएगा टेलीग्राम पर। देखो अमन जी, मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप चलती क्लास में यहां पर नोट करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मैं तो पीडीएफ डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप यहां पर चलती क्लास में नोट करते जाइए, आपके लिए सच्ची बता रहा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीज। ठीक है, तो आप यहां पर नोट करिए, पीडीएफ का देखो मैं पीडीएफ इसका नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अकेला क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकता हूँ, कि जो आपके नोट्स है एएफओ के नोट्स बना रहा हूँ। ठीक है, तो उसके हिसाब से कोई कोई भी कोचिंग वाला इतना डीप से नहीं जाता है। ठीक है, तो मैं इसके नोट्स आपको दूंगा, ज़्यादा कॉस्ट नहीं लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर की जो आपके 10 साल के
10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर है उसका पूरा का पूरा सीरीज बनाने वाला हूँ। वो तो आपको क्लासेस जो है आपको फ्री दूंगा यूट्यूब पे, लेकिन आपके नोट्स है उसका थोड़ा सा कॉस्ट रखूंगा, ठीक है, थोड़ा सा समझिए, ठीक है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं रखूंगा, आपके बजट में ही जाएगा। अगर ये 10 ईयर 10 ईयर के पेपर हैं तो मात्र 50 रुपीज़ या 49 रुपीज़ रखूंगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं रखूंगा। जैसे ही जैसे आपके हो जाए इनकम्प्लीट वैसे ही आपको पूरा PDF दे दूंगा, लेकिन मैं पब्लिकली नहीं दूंगा क्योंकि मैंने इसमें मेहनत किया हुआ है, ठीक है। तो बात करें एडल्ट मेल की या वयस्क नर की, तो बफेलो का जो बफेलो बुल या भैंस इसका सांड कहते हैं वयस्क नर को। एडल्ट फीमेल की बात करें वयस्क मादा की तो भैंस कहते हैं बफेलो कहते हैं, और जो आपकी यंग मेल या युवा नर है बफेलो बुल काफ या बुल काफ जिसे कहते हैं, बफेलो बुल काफ जिसे कहते हैं, और आपका यंग फीमेल या युवा मादा है उसे बफेलो हीपर काफ कहते हैं, ठीक है, और जो आपका न्यू बॉर्न बेबी है नवजात शिशु है बफेलो काफ कहते हैं, ठीक है, या काफ कहा जाता है बफेलो काफ, ठीक है, और जो मीट होता है इसका उसको कहते हैं बफेन, ठीक है, और जो आपका मेटिंग है समागम को वो के सर्विंग या सर्विंग की प्रक्रिया कहा जाता है, और पार्चुरेशन या संतति जनन या जो आपकी प्रसव की प्रक्रिया या बच्चा देने की प्रक्रिया वो कहलाता है आपका काविंग। मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पर शुद्ध हिंदी इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जो आपका IBPS है, ठीक है, वहां पर आपको देखो यहाँ पर हर्ड को हर्ड ही लिखेगा, यहाँ पर बुल बफेलो बुल को बफेलो बुल ही लिखेगा, ठीक है, बफेल हीपर को हीपर ही लिखेगा IBPS। मैं 3 साल से एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि वो इतना बिल्कुल शुद्ध हिंदी नहीं लिखता है, वो आपका गूगल ट्रांसलेट लिखता है, इसलिए मैंने ज्यादा इसे नहीं लिखा है हिंदी से, हो आप इसको हीपर ही पढ़िए, ठीक है, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करें सीप की टर्मिनोलॉजी की या भेड़ की टर्मिनोलॉजी की, तो जो आपका ग्रुप होता है भेड़ का उसे कहते हैं फ्लॉक, ठीक है, और जो आपका एडल्ट मेल या वयस्क नर होता है उसे कहते हैं रैम, ठीक है, और जो एडल्ट फीमेल या वयस्क मादा होती है उसे यू कहते हैं, जो आपका यंग मेल या युवा नर होता है उसे रैम लैम कहते हैं, और जो आपकी यंग फीमेल या युवा मादा होती है उसे यू लैम कहते हैं, और जो आपकी न्यू बॉर्न बेबी है नवजात शिशु है उसे लैम कहते हैं, और जो आपका मीट है या मांस है उसे मटन कहते हैं, जो आपका सीप का मांस है उसे क्या कहा जाता है मटन कहा जाता है, ठीक है, और जो मैटिंग है या समागम की क्रिया है उसे क्या 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 कहा जाता है टुपिंग कहा जाता है, किसमें सीप के केस में। हर एक जानवर का या हर एक पशु का आप पहले सीप लिखिए या पहले काऊ लिखिए या पहले बफेलो, उसका बिल्कुल क्रम से सीधा का सीधा अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, आप अपने नोट्स बनाएंगे बहुत बेटर है, आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है आप वीडियो को पॉज कर दीजिए फिर लिख लीजिए, ठीक है, क्या है आप अपने नोट्स बनाओगे अच्छे से याद हो जाएगा क्योंकि लिखने से बहुत जल्दी याद होता है। और बात करें पार्चुरेशन या संतति जनन या बच्चा देने की प्रक्रिया की, तो वो आपकी कहलाती है लैम्बिंग, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करें बकरी की या गॉट की, तो जो आपका ग्रुप होता है बकरी का समूह उसे भी फ्लॉक कहा जाता है, ठीक है, और जो आपका एडल्ट मेल होता है या वयस्क नर होता है उसे बक कहा जाता है, एडल्ट फीमेल जो है वयस्क मादा है उसे डॉय कहा जाता है, यंग मेल या युवा नर है उसे बकलिंग या मेल किड, बकलिंग या पुरुष बच्चा कहा जाता है, जो आपका यंग फीमेल या युवा मादा है उसे गोल्टिंग या फीमेल किड कहा जाता है, गोल्टिंग या महिला बच्चा कहा जाता है, न्यू बॉर्न बेबी को नवजात शिशु को किड या कहा जाता है, ठीक है, मीट या मांस को जो है चेवन कहा जाता है, जो बकरी का मांस होता है या मीट होता है बकरी का, गॉट गॉट का मीट होता है उसे क्या कहा जाता है चेवन कहा जाता है, मेटिंग में ऐसे सर्विंग कहते हैं और पार्चुरेशन को यहाँ किडिंग कहेंगे, संतति जन प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहेंगे यहाँ पर किडिंग कहेंगे, ठीक है, क्लियर है, यस नो लिख दीजिए अगर कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। जयप्रकाश जी अमन जी दोनों ही यस नो लिख दीजिए, मुझे पता है दो ही लोग जुड़े हुए हैं क्लास से, इम्पोर्टेंट है ये, ऐसे कोई नहीं लिखाएगा आपको पब्लिकली यूट्यूब पर, ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा, मैंने बहुत सी कोचिंग देखी बड़ी बड़ी कोचिंग देखी है, ऐसे पूरा कंटेंट कोई लीक नहीं करता अपना, ठीक है, तो आप बढ़िया से पढ़ते रहिए सारा का सारा, एक एक टर्म जो है आपको यहाँ पर मिलेगी, आपको नोट्स बनाने, आप हैंड राइटिंग नोट बनाइए बिल्कुल पॉज करके वीडियो को, ठीक है, यस नो लिख दीजिए अगर कि आपको क्लियर है रहा है, ठीक है अमन जी। बात करें पिग की या सुअर की या सूकर की, तो जो आपका सुअर का ग्रुप होता है या जो पिग का ग्रुप है या समूह है उसे कहा जाता है ड्रोव या हर्ड, ठीक है, जो एडल्ट मेल या वयस्क नर होता है इसका वो होता है बोअर,
जो एडल्ट फीमेल या वयस्क मादा होती है उसे सो कहा जाता है। यंग फीमेल या यंग मेल या युवा नर जो होता है इसको बोअरलिंग कहा जाता है। यंग फीमेल या युवा मादा को गिल्ट कहा जाता है। न्यू बॉर्न बेबी या नवजात शिशु को पिगलेट या पिगलेट कहा जाता है। मांस को या मीट को जो है इसके जो है पोर्क कहा जाता है। जो आपका सुअर का जो मांस होता है या मीट होता है उसे क्या कहा जाता है, पोर्क कहा जाता है। मेटिंग या समागम को कहा जाता है कपलिंग, और पार्चुरेशन या संतति जनन या प्रसव की प्रक्रिया को यहाँ पर कहा जाता है फैरोइंग या फरोइंग। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। आप अगर की टेस्ट सीरीज चाहते हो, उसकी टेस्ट सीरीज चाहते हो, तो आपको एक इतना सा काम करना होगा कि एक टीचमेंट करके ऐप है, ठीक है, टीचमेंट करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, और बाकी मैं आगे आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, क्या है कि मेरा खुद का ऐप तो है नहीं है, लेकिन मैं टीचमेंट पे आपके टेस्ट सीरीज जो है आपको टेस्ट दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप टीचमेंट करके एक ऐप है उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और बाकी मुझे व्हाट्सएप, जो मेरा नंबर आप सबको पता है 7880 स्क्रीन पर चल भी रहा है, इस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं टीचमेंट पे आपको ऐड कर दूंगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ साल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एएफओ में, बिल्कुल एएफओ का डिट्टो क्वेश्चन है। साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सेरेका अशोका, ऑप्शन बी सोरिया रोबस्टा, ऑप्शन सी डेलबर्जिया सिस्सो, ऑप्शन डी स्पैथोडिया कैंपू कैंपे नू लता, ऑप्शन ई एडे एडोसोनिया डिजिटाटा। जल्दी से आंसर कीजिए, जो आपका साल का वृक्ष होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ए बी सी डी, आप तो ऐसे ही लिख दो ए बी सी डी, अगर ये आंसर सही हुआ तो सही है, लेकिन गलत हुआ तो आपको याद जरूर हो जाएगा। ठीक है, किसका आंसर ये था, तो साल का वैज्ञानिक नाम आपको याद जरूर हो जाएगा। ए बी सी डी सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर लिख दीजिए जल्दी से, ए बी सी या डी क्या होगा सही उत्तर। चलिए मैं ही बता दे रहा हूं, इसके बात करें इसके सही उत्तर की, तो सही उत्तर है आपका इसका सोरिया रोबस्टा, जो आपका साल का वृक्ष होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर, अमन जी सही आंसर है। यहाँ पर सोरिया रोबस्टा जो है आपका बॉटेनिकल नेम या वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम है, किसका, साल का। कुछ साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं, आगे बात करें कॉमन सामान्य नेम और बॉटेनिकल नेम यहाँ पर लिखा हुआ है आपका। बात करें अशोक की, तो इसका होता है सेरेका सराका अशोका, जो है बॉटेनिकल नेम होता है। टीचमेंट ही हमारे हम चलो ठीक है, मैं आपको आज मैं बैच क्रिएट कर दूंगा इसका, अन्नदाता बैच, उसमें आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना नंबर भेज दीजिएगा। ठीक है, जयप्रकाश जी बी आंसर सही सही कर रहे हो आप। बात करें अशोक के बॉटेनिकल नेम की, तो इसका होता है सेराका अशोका। साल का बॉटेनिकल नेम सोरिया रोवस्टा होता है, और सिसमम का जो है, सिसम का जो बॉटेनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम होता है डलबर्जिया सिस्सू होता है। अफ्रीकन टुलिप ट्री, जो अफ्रीका अफ्रीकी टुलिप ट्री होता है, उसका बॉटेनिकल स्पैथोडिया कैंपे नूलता। ठीक है, और बाओबाब जो गोरख इमली जिसे कहते हैं, ठीक है, बाओबाब का एक ट्री होता है गोरख इमली जिसे जिसके नाम से, उसका बॉटेनिकल नेम एडोसोनिया डिजी टाटा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7-4। सिट्रस स्पीसीज दैट कैन ओनली बी प्रोपगेटेड बाय मीन्स ऑफ सीड। साइट्रस प्रजातियां जो केवल बीज द्वारा प्रसारित की जाती हैं, प्रोपगेटेड की जाती हैं, प्रवर्धित की जाती हैं। ऑप्शन ए स्वीट ऑरेंज मीठा नींबू, ऑप्शन बी एसिड लाइम खट्टा नींबू, ऑप्शन सी रंगपुर लाइम रंगपुर नींबू, ऑप्शन डी रफ लाइम या कागजी नींबू, ऑप्शन ई तहेती लाइम या तहेती नींबू। क्या होगा सही उत्तर इसका, जो आपका साइट्रस प्रजातियां हैं जो केवल बीज द्वारा प्रसारित की जाती है, वह कौन सी प्रजाति है सिट्रस की जो केवल बीज द्वारा प्रसारित की जाती है। लिख दीजिए आंसर ए बी सी डी, उसका प्रसारण जो है प्रोपागेशन जो है किससे होती है, बीज से होती है। आंसर करिए ए बी सी डी, लिख दीजिए जल्दी से।
बिल्कुल सही जयप्रकाश जी, आपका एसिड लाइम होता है, जो आपका खट्टा नींबू होता है वो आपका प्रसारित होता है बीज से। आगे कुछ आपकी विभिन्न फसलें हैं उनके प्रवर्धन की विधियां दी गई हैं, ठीक है। संतोष कुमार जी वेलकम है आपका, ए उत्तर नहीं होगा, एसिड लाइम इसका आंसर है खट्टा नींबू। बने रहिए क्लास में, जाइएगा नहीं। तो बात करें प्रवर्धन की विधियों की, तो प्रवर्धन विधियां जो प्रोपगेशन मेथड है और फल जो है आपका, जो विप एंड टोंग ग्राफ्टिंग है, विप और टोंग ग्राफ्टिंग स्टूलिंग है, ये जो है आपका उपयोग किया जाता है आपका एप्पल सेब पियर नाशपाती एप्रिकोट खुबानी में। इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि जो कौन सी ग्राफ्टिंग या प्रवर्धन विधि जो है, जो फल वाली फसल है या फ्रूट क्रॉप है उसमें यूज किया है। गुड इवनिंग संतोष कुमार जी। तो जो आपका विप एंड टोंग ग्राफ्टिंग है और स्टूलिंग मेथड है, ये जो है आपका एप्पल सेब पियर नाशपाती एप्रिकोट खुबानी में यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जो आपका टी बडिंग मेथड है, जो आपका पीच आडू प्लम आलू बुखारा, जो आपको हिंदी में जो आप प्लम याद रखिए, आलू बुखारा याद रखिए, ठीक है। तो टी बडिंग मेथड जो है आपका पीच या प्लम में जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। सीड जो सेव जो है प्रोपगेशन या बीज प्रवर्धन, या जो जो आपका प्रोपगेशन या प्रवर्धन या प्रसारण जो है वो किया जाता है आपका एसिड लाइम, खट्टा नींबू, कोकोनट, नारियल, अरेका नट, सुपारी, पपाया, पपीता, फालसा, कॉफी, पैशन फ्रूट में जो है आपका सीड द्वारा प्रोपगेशन या रीजनरेट किया जाता है। प्रोपगेशन मतलब कि जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट को बनाना, ठीक है, तो ये आपका कहलाता है प्रोपागेशन, ठीक है। बात करें लेयरिंग या टी बडिंग से, तो लेयरिंग और टी बडिंग से आपका एवोकेडो में की जाता है प्रोपगेशन। पैच बडिंग की बात करें तो पैच बडिंग से आपका किया जाता है आंवला, बेल, पिकन नट में, अखरोट में, आंवला, बेल और अखरोट में। रिंग एंड टी बडिंग की बात करें तो ये किया जाता है आपका बेर में। और आपका बेनियर ग्राफ्टिंग या एनार्चिंग ग्राफ्टिंग या स्टोन ग्राफ्टिंग की बात करें तो ये होता है आम में, जो है आपकी प्रोपगेशन मेथड या आपकी प्रवर्धन की विधि है। इसे आप नोट कर लीजिए, ऊपर हेडिंग डालिए प्रवर्धन की विधि और फल क्रॉप या फ्रूट क्रॉप, ठीक है, फल फसल या फ्रूट क्रॉप। यहां पर मेरे पीछे यहां पर अखरोट लिखा हुआ है, पिकन नट का मतलब होता है अखरोट, ठीक है। तो ये आप अच्छे, क्या है कि मैं रियलिटी बताऊं, आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है और उसका सॉल्यूशन है साथ में साथ। मैंने इसका सॉल्यूशन लगभग जा रहा है 20 से 25 पेज में, ठीक है, अकेले एक पेपर का सॉल्यूशन। जो आपकी वर्ड पीडीएफ फाइल होगी उसमें आपका केवल एक पेज, एक पेपर का सॉल्यूशन जा रहा है 20 से 25 पेजेस का। तो आप यस नो लिख दीजिए कि यह आपके लिए यूजफुल हो रहा है, होगा कि नहीं, यूजफुल होगा कि नहीं। यस नो लिख दीजिए कि सॉल्यूशन के साथ पूरा पेपर मिल रहा है तो वो यूजफुल होगा, लेकिन जा रहा है ज्यादा पेजेस में, 20 से 25 पेजेस में, तो यस नो लिख दीजिए कि आपके लिए यूजफुल होगा कि नहीं। यस नो लिख दीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। उफरा डिजीज इन राइस इज ड्यू टू, धान में उफरा रोग किसके कारण होता है। जो आपका ये जो है यहाँ पर जो है उफरा, हिंदी में जो है आपका वहां पर जो क्वेश्चन था आईबीपीएस ने दिया था, वहां पर था हिंदी में तो था उफरा, लेकिन यहाँ पर लिखा था उर्फा, ठीक है। इस वजह से कंफ्यूजन हो रही थी यहाँ पर, कि यहाँ पर लिखा था उर्फा और यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ था उफरा, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों को देखना पड़ेगा। तो उफरा डिजीज जो आपकी राइस में होती है या धान में होती है वो किसकी किससे होती है, नाइट्रोजन डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी से, डिफिशियंसी ऑफ जिंक, जिंक की कमी से, डिफिशियंसी ऑफ बोरॉन, बोरॉन की कमी से, या अटैक ऑफ नेमेटोड, नेमेटोड के आक्रमण से, या ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। अमन जी बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, जो आपकी उफरा डिजीज है धान में वो होती है आपकी नेमेटोड के आक्रमण की वजह से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नेमेटोड, ठीक है। नेमेटोड कौन सा है, डिटेल एंचस एंगेस्टस, जो आपका नेमेटोड का नाम है वो कौन सा है आपका, डिटेलेंचस एंगेस्टस, ये भी लिख दीजिए, नेमेटोड का नाम भी लिख लीजिए, डिटेलेंचस एंगेस्टस के कारण जो आपका होता है, ठीक है, उफरा डिजीज। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, पहले भी
जो यूपी ट्रिपल एससी वाले वो पढ़ चुके हैं, पहले भी वैसे बता चुका हूँ। बात करें विभिन्न निमेटोड्स की से होने वाली बीमारियों की, तो रोग और होस्ट पौधा और निमेटोड का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। उफरा डिजीज ऑफ राइस चावल का उफरा रोग जो है डिटिलेंचस एंगेस्टस के कारण होता है। ईयर कोकल ऑफ भीट गेहूं का ईयर कोकल जो है एंग्विना एंग्विना टिटिसी के से होता है। और जो आपका रूट लीजन डिजीज ऑफ चिली कॉफी कॉटन टी एंड राइस मिर्च कॉफी कपास और चाय और चावल का जड़ घाव रोग जो होता है आपका वो होता है प्रेटिलेंचस स्पीसीज की जो आपके निमेटोड है उससे। और रूट नॉट डिजीज इन कॉफी, कॉफी में जड़ गांठ रोग जो होता है वो होता है मेलियोडोगाइना एक्सीगुआ से, मेलिडियोगाइना एक्सीगुआ। ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विभिन्न फसलों में होने वाले निमेटोड के कारण रोग बीमारियां, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 है आपका एफपीओ एफपीसी असिस्टेंट इन प्योरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने में एफपीओ एफपीसी सहायता है, जो आपके प्राथमिकता क्षेत्र के जो एफपीओ है या एफपीसी है उसके लिए जो है कितना जो है आपको असिस्टेंट या जो आपकी सहायता मिलती है। ऑप्शन ए 50 लाख, ऑप्शन बी 5 करोड़, ऑप्शन सी 10 लाख, या ऑप्शन डी 10 करोड़, या ऑप्शन ई 50 करोड़। एफपीसी या एफपीओ के लिए जो आपकी प्राथमिक क्षेत्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र है उसके लिए कितनी सहायता दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा या आरबीआई के द्वारा। 5 करोड़, 50 लाख, 10 लाख, या 10 करोड़, या 50 करोड़। जल्दी से आंसर लिख दीजिए, ए बी सी डी। ए बी सी डी लिख दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका सही उत्तर। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसके उत्तर से पहले, में जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वह क्षेत्र होते हैं जो बहुत ज्यादा जिसके डेवलपमेंट के लिए जो है गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा जोर, जैसे आपका एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए बताइए आप। एग्रीकल्चर आपका जो है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र है। एक होता है आपका एमएसएमई सूक्ष्म लघु उद्योग, ठीक है, और एक आपका देखो हाउसिंग वाला है, प्राथमिकता क्षेत्र वाले हैं ये, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है इनके लिए अलग से जो है प्रोविजन है कि इनके लिए इतना बजट दिया जाएगा। जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, जो आपके बैंक है उनका पहले से डिसाइड है कि जो एग्रीकल्चर उसके लिए 18% रिजर्व है, ठीक है, और जो आपके टोटल प्रायोरिटी सेक्टर उसके लिए 45% रिजर्व है। अगर कि आरआरबी है तो वहां पर 75% रिजर्व है। पूरा का पूरा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पढ़ाएंगे बाद में आपको लेक्चर में। यहाँ पर आपका आंसर की बात करें, बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हो जयप्रकाश जी, इसका आंसर होगा आपका 5 करोड़। जो आपका एफपीओ या एफपीसी के लिए जो दिया जाने वाला असिस्टेंट या सहायता है वो है आपकी 5 करोड़ की। अमन ढिमोली सी नहीं होगा, यहाँ पर 5 करोड़ है एफपीओ या एफपीसी के लिए 5 करोड़ की सहायता दी जाती है। बात करें लिमिट की, एक क्वेश्चन जो है आपका देखो 2022 में पूछा गया था, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन था इससे। 2022 में जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया था और इससे आपका 2023 में पूछ लिया गया। सोचो कि लगातार कंटिन्यू दोनों पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो द लिमिट इज फिक्स्ड अप टू ₹75 लाख अगेंस्ट नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीप्ट एंड अप टू ₹50 लाख अगेंस्ट वेयर हाउस रिसिपियंट नॉट कमिंग अंडर द एबव कैटेगरी। बात करें नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीप्ट की, तो जो आपका अनाज होता है, कुछ लोग किसान क्या करते हैं कि आपने देखा होगा शहरों के पास वेयर हाउस बने होते हैं, देखा है ना, तो जो किसान है कोई अपने अनाज को वेयर हाउस में भंडार कर देते हैं। मान लो ये वेयर हाउस है, इसमें जो है किसान ने अपना अनाज है, जो आपका गवर्नमेंट के वेयर हाउस है, आपने गवर्नमेंट के वेयर, तो निगोशिएबल जो वहां से आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, जो गवर्नमेंट की आपके जो वेयर हाउस है वहां से आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, तो उसके बेस पे आपको 75 लाख जो है आपको गवर्नमेंट रिसिप्ट पे, और जो आपके 50 लाख है तो नॉन जो आपके नॉट जो आपके निगोशिएबल वेयर हाउस में नहीं आता उसको मिलेंगे 50 लाख। या प्राइवेट सेक्टर में अगर कि प्राइवेट सेक्टर की अगर कि आपने वेयर हाउस एजेंसी को आपने अपना जो अनाज है उसको स्टोर करने के लिए दिया, तो आपको उस केस में 50 लाख रुपए उसको जो आपकी रिसीप्ट है उसके एवज में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बात करें निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रसीदों के एवज में
75 लाख रुपए तक की सीमा निर्धारित की गई है। उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत नहीं आने वाले गोदाम रसीदों के एवज में 50 लाख रुपए तक की सीमा, नॉन निगोशिएबल है। अगर कि निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट है आपको तो 75 लाख, और नॉन निगोशिएबल है आप मतलब कि ऊपर की श्रेणी में नहीं आता है तो 50 लाख। ठीक है, लोन अप टू 5 करोड़ पर बोरोइंग एंटिटी टू एफपीओ एंड एफपीसी। एफपीओ का मतलब होता है आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एफपीओ होता है ये, और एक होता है आपका एफपी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होती है एक आपकी। ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक हो तो होता है आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और एक होता है आपका फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। इन दोनों पॉइंटों से क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने पूछा, ये आईबीपीएस में पूछे गए क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो पूर्व निर्धारित मूल्य पर अपनी उपज के सुनिश्चित विपणन के साथ खेती करने वाले एफपीओ एफपीसी को प्रति उधार लेने वाले बिकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक का ऋण जो है दिया जाता है। लोन अप टू 5 करोड़ पर बोरोइंग एंटिटी टू एफपीओ एंड एफपीसी अंडरटेकिंग फार्मर विथ अश्योर्ड मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोड्यूस एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। मैंने दिया है 3 साल से कंटिन्यू मेंस दे रहा हूं, पिछली बार मेरा मेंस निकला भी है इसका, इस बार 0.25 से मेरा रह गया मेंस। ठीक है, मुझे पता है ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से अच्छे से नोट कर लीजिए आप। ठीक है, एफपीओ आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है, और जो आपकी एफपीसी है उसे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगे बात करें प्योरिटी सेक्टर लैंडिंग की, सॉरी प्रश्न नहीं है, प्योरिटी सेक्टर लैंडिंग है, प्राथमिक क्षेत्र प्राप्त क्षेत्र है। तो प्राथमिकता क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें भारत सरकार और रिजर्व बैंक देश की बुनियादी जरूरतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, और इन्हें अन्य क्षेत्रों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के तहत बैंकों को पर्याप्त और समय पर ऋण के साथ ऐसे क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहन करना अनिवार्य है। मतलब कि जो आपके प्रायोरिटी सेक्टर क्षेत्र है या प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो लोन दिए जाते हैं उसे हम कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग या प्राथमिकता क्षेत्र उधार। ठीक है, तो बात करें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं प्राथमिकता क्षेत्र में, तो आपके प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आपका एक तो आता है आपका एग्रीकल्चर कृषि, दूसरा आता है आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम, तीसरा आता है आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट या निर्यात ऋण, चौथा आपका आता है एजुकेशन या शिक्षा, पांचवा आता है हाउसिंग या आवास, आपका छठा आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सामाजिक अवसंरचना, और फिर आता है आपका रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा। जो आपका एग्रीकल्चर है एमएसएमई है, और जो आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल, ये आपके एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर की एफओ की तैयारी कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो आपका प्योर जब आपको प्योरिटी सेक्टर लैंडिंग पढ़ाएंगे तब उसमें आपको ये पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे प्योरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। मैक्सिमम असिस्टेंट इन एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर सीम फॉर ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स, 5 सदस्यों के समूह के लिए एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर योजना में अधिकतम सहायता है। ऑप्शन ए 50 लाख, ऑप्शन बी 20 लाख, ऑप्शन सी 80 लाख, ऑप्शन डी 100 लाख, या ऑप्शन ई 75 लाख। जल्दी से लिख दीजिए ए बी सी डी। 5 मेंबर हैं, 5 सदस्य, अगर ये आप एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस योजना के तहत सहायता प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आपको कितने लाख तक की सहायता मिलेगी, लिख लीजिए आंसर ए बी सी डी। बात करें यहां पर सही उत्तर की, तो यहां पर सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन डी 100 लाख या 1 करोड़, 100 लाख या 1 करोड़। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी 20 लाख मिलता है अगर कि आप इंडिविजुअल या एक सिंगल पर्सन अगर कि आप एग्री क्लिनिक या एग्री बिजनेस, तो अधिकतम ऋण जो है आपको मिलेगा 20 लाख तक का। ठीक है, 20 लाख तक का ऋण मिलेगा। अगर कि आप कोई ऑर्गेनाइज मतलब 5 सदस्यों का समूह है आपका, ठीक है,
तो आपको मिलेगा कितना, डी 100 लाख या 1 करोड़ रुपया। ठीक है, 1 करोड़ रुपए इसके उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, बात करें एग्री क्लिनिक या एग्री बिजनेस सेंटर की, तो जो है आपके जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है या 12th से एग्रीकल्चर किया हुआ है, एग्रीकल्चर डिप्लोमा है, तो वो सारे के सारे लोग जो है एलिजिबल रहते हैं इसका डिप्लोमा करने के लिए। इसमें आपको जो है ट्रेनिंग दी जाती है या सिखाया जाता है एग्री क्लिनिक या जो आपका बिजनेस सेंटर है उसको जो है खोलने के लिए, जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है इसमें। ठीक है, तो इसमें कुछ सब्सिडी भी मिलती है। बात करें एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स की, तो ये लॉन्च हुई थी 9 अप्रैल 2002 को। ठीक है, 1 पर्सन को जो है 20 लाख तक का मिलता है, और अगर कि आप 5 हैं तो आपको 100 लाख या 1 करोड़ का जो है ऋण मिलेगा। ठीक है, बात करें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की, तो ये है नाबार्ड, और ट्रेनिंग प्रोवाइड जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जो आपको ट्रेनिंग देता है इसमें, वो है आपका मैनेज, जैसे नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, TULTY एक्सटेंशन मैनेजमेंट, सॉरी नोट कर लीजिए इसे, मैनेजमेंट जो आपका मैनेज है जो इसे ट्रेनिंग देता है, जो आपकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जिसने शुरू की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, वो है आपका नाबार्ड। लेकिन जो इसे ट्रेनिंग देता है वो है आप, जो फाइनेंशियल करता है वो तो है आपका नाबार्ड, लेकिन जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, इसे शॉर्ट में कहते हैं मैनेज, जिसकी स्थापना हुई थी 1987 में। इसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, आपका हैदराबाद के अंदर है। जो आप बात करें सब्सिडी की, अगर कि आप SC ST या वुमेन है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, तो इस केस में आपको मिलेगी 44% सब्सिडी। अगर कि आप OBC से या जनरल क्लास से हैं तो आपको मिलेगी आपको 36% सब्सिडी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की बात करें, बैंक लोन की बात करें इसमें AC एंड ABC में, उसके मैं थोड़ी सी माफी चाहता हूँ, 1 मिनट के लिए रुकना चाहूंगा, क्योंकि जो है इंटरनेट दूसरी सिम का मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट का बस आप इसे पढ़िए, जब तक मैं आप इंटरनेट चेंज करता हूँ। क्या है, 2.5 GB का रिचार्ज लेते हैं फिर भी खत्म हो जाता है क्लास में। जाइएगा नहीं, दो बस 1 मिनट में आ गए हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात करें बैंक लोन अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। ठीक है, तो जो बैंक लोन है, सीलिंग ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर सब्सिडी हैज बीन एनहेंस टू 20 लाख फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन, मतलब अगर ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है तो उसके लिए कितना, 20 लाख के लोन दिया जाएगा, 25 लाख मतलब कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट उस पर सब्सिडी दी जाएगी। देखो मैं रियलिटी बताऊं, यहाँ पर 20 लाख का लोन नहीं दिया जाता, 20 लाख का लोन नहीं दिया जाता। ठीक है, यहाँ पर 20 लाख का लोन नहीं दिया जाता, 20 लाख की आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट पर सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, जो आपकी 33 जितनी सब्सिडी है, जो भी आप कैटेगरी के हिसाब से है, ठीक है, सब्सिडी दी जाती है, यहाँ पर लोन नहीं दिया जाता। ठीक है, ये याद रखिएगा, सब्सिडी दी जाती है, लोन नहीं दिया जाता। ठीक है, तो 25 लाख इन केस ऑफ एक्सट्रीम, अगर ये सक्सेसफुल इंडिविजुअल है तो 25 लाख, और अगर कि आप 5 पर्सन है, ग्रुप है 5 पर्सन का, तो आपको 100 लाख या 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेंचर यू वांट
टू सेट अप एंड विथ अ मॉरेटोरियम ऑफ अप टू 2 ईयर, मतलब कि आपको जो है 2 साल का जो है मॉरेटोरियम, जो मॉरेटोरियम पीरियड, मतलब कि 2 साल तक आपको, आपसे बैंक वाले कुछ नहीं कहेंगे, मतलब कि आप अपना अच्छे से स्टार्टअप कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो, आपको बैंक वाले कोई दखल नहीं देंगे। जैसे ही 2 साल हो जाएंगे वैसे ही बैंक वाले कहेंगे कि भैया लाओ अब हमारा लोन वापस कर, वैसे ही आपकी 2 साल के बाद आपकी किस्तें जो है बन जाएंगी, फिर आपको लोन भरना पड़ेगा। मोरेटोरियम पीरियड वह होता है या जब जो है आपको एक लोन है उसे नहीं भरना होता है, ठीक है, उस टाइम पीरियड, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद उसको भरना होता है। बात करें एग्री क्लियर या एग्री बिजनेस सेंटर, लोन कैन बी रिपेड विद इन 5 to 10 ईयर, जो आपका जो लोन होता है उसे 5 से 10 साल में जो आपको रिपे करना पड़ता है, वापस करना पड़ेगा। एज पर इजी इंस्टॉलमेंट प्लान द रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्जिन एंड सिक्योरिटी ऑन लोन विल बी डिसाइड बाय द रिस्पेक्टिव बैंक एज पर RBI नॉर्म। जो आपका लोन है या इंटरेस्ट रेट है या जो आपका ब्याज है या मार्जिन है या मार्जिन मनी है, वो आपका बैंक के अनुसार वेरी करता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, व्हेन 2 पेयर ऑफ एलील्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आर क्रॉस, दिस क्रॉस इज नोन एज, जब 2 अलग अलग विशेषताओं के युग्म विकल्पी जोड़ों का क्रॉस किया जाता है तो इस क्रॉस को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए मोनोहाइब्रिड, ऑप्शन बी डिप्लॉयड या द्विगुणित, ऑप्शन सी हाइब्रिड, ऑप्शन डी डाई हाइब्रिड, ऑप्शन ई डाई क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी डाई हाइब्रिड, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी डाई हाइब्रिड। जब 2 अलग अलग विशेषताओं के युग्म विकल्पी जोड़ों का क्रॉस किया जाता है तो इस क्रॉस को किस रूप में जाना जाता है, आपका डाई हाइब्रिड या डाई हाइब्रिड, हिंदी में भी डाई हाइब्रिड ही है इसका। बात करें मोनोहाइब्रिड की या मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द हाइब्रिड ऑफ 2 इंडिविजुअल विथ होमोजाइगस जीनोटाइप विच रिजल्ट इन द अपोजिट फिनोटाइप फॉर आ सर्टेन जेनेटिक ट्रेड। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस समरूप जीनोटाइप वाले 2 व्यक्तियों का संकर है जिसके परिणाम स्वरूप एक निश्चित अनुवांशिक विशेषता के लिए विपरीत फिनोटाइप होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका मोनोहाइब्रिड। क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस समरूप जीनोटाइप वाले 2 व्यक्ति, समरूप जिसके जो जीनोटाइप है वो समान है, ठीक है, समरूप जीनोटाइप वाले 2 व्यक्तियों का संकर है जिसके परिणाम एक निश्चित अनुवांशिक विशेषता के लिए विपरीत फिनोटाइप होता है। बात करें डिप्लॉयड की या द्विगुणित की, जो जिसमें दैहिक गुण कोशिकाओं, जो आपकी दैहिक कोशिकाएं होती हैं उसकी, जो जिसमें दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की प्रारूपी संख्या जनन कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या से दुगनी होती है, जैसे मानव दैहिक कोशिकाओं की यह संख्या 46 होती है, कि द्विगुणित कहा जाता है। जैसे आपका डिप्लॉय, वैसे तो 23 पेयर होते हैं, पेयर कितने होते हैं 23 होते हैं, मानव गुणसूत्र के पेयर कितने होते हैं 23 होते हैं, लेकिन जो आपकी संख्या होती है वो कितनी होती है 46 होती है या 46 होती है, तो इसे क्या कहेंगे हम, डिप्लॉयड या द्विगुणित। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है एम्प्टी प्लास्टिक ड्रम यूज इन कैक कल्चर फॉर, कैक कल्चर में खाली प्लास्टिक ड्रम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पिंजरे के का आवरण या कैक कवर, ऑप्शन बी फ्लोटिंग के लिए, ऑप्शन सी फीडिंग या खिलाने के लिए, ऑप्शन डी सिंकर्स के रूप में, ऑप्शन ई कवरिंग मटेरियल आवरण सामग्री के रूप में। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी डी। बात करें सही उत्तर की, जो आपके कैक कल्चर में जो प्लास्टिक ड्रम है उसको प्रयोग किया जाता है आपका फ्लोटिंग के रूप में, ठीक है, फ्लोटिंग के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बात करें आपके अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10। ड्यूरिंग ड्राइंग सम पार्ट ऑफ द वुड मे ड्राई रैपिडली व्हाइल सम मे नॉट बिकॉज ऑफ दिस इम्प्रॉपर ड्राइंग श्रिंकेज ऑफ वुड अकर दैट रिजल्ट इन डिफेक्ट इन वुड विच कॉज कंप्लीट स्प्लिट अराउंड नॉट। सुखाने के दौरान लकड़ी का कुछ हिस्सा तेजी से सूख सकता है जबकि कुछ नहीं, इस अनुचित सुखाने के कारण लकड़ी का संकोचन होता है जिसके परिणाम स्वरूप लकड़ी में त्रुटि होती है जो गांठों के चारों ओर पूर्ण विभाजन का कारण बनती है। बताइए इसका आंसर सही हो क्या होगा, ए क्रैकिंग कहेंगे, बी ट्विस्टिंग या घुमा हुआ कहेंगे, सी स्प्लिट नॉट या विभाजित गांठ, या डी एंड स्प्लिट या अंतर विभाजन, या ई कॉलेप्स।
बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर है आपका कोलेप्स या गिरावट। ठीक है, इसकी जो आपकी रिकॉर्डिंग है बाद में मैं अपलोड कर दूंगा, मुझे पता है कि क्लास डिस्कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, इसका पूरा का पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रास कार्प, ग्रास कार्प का वैज्ञानिक नाम क्या है। बात करें सही उत्तर की, तो ग्रास कार्प का जो है बॉटेनिकल नेम होता है आपका टेनो टेनोफेरिंगोडॉन एडेलाज। जो साइप जो आपका ग्रास कार्प है उसका बॉटेनिकल नेम होता है आपका, साइंटिफिक नेम होता है टेनोफेरिंगोडॉन एडेला। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की बात करें, द मैंडेट ऑफ द एज टू प्रोवाइड, द मैंडेट ऑफ एज टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डे ऑफ गारंटीड बेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू द टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान करना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। ऑप्शन ए DAY NRLM, ऑप्शन बी PM प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऑप्शन सी MG NREGA, महात्मा गांधी रू नेशनल एग्रीकल्चर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ऑप्शन डी SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन ई PM किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। जो कौन सी योजना है जिसके तहत जो है 100 दिनों का गारंटी कृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है। तो बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर होगा आपका MG NREGA या MG NREGA, जिसे हम पहले नरेगा के नाम से जानते थे। तो इसमें आपको निश्चित जो है 100 दिनों का गारंटी कृत जो है मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 13 है, व्हाट इज द मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ सर्टिफाइड सीड ऑफ ओनियन, प्याज के प्रमाणित बीज का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत कितना है। ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 60%, या ऑप्शन डी 80%, या ऑप्शन ई 65%। बात करें इसके सही उत्तर की, तो प्याज के जो प्रमाणित बीज है उसका न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत होता है वो होता है आपका 70%। विभिन्न फसलों का अंकुरण प्रतिशत यहाँ पर दिया हुआ है, मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज एंड क्रॉप्स, इसको आप नोट कर लीजिए, टेबल ज्यों का त्यों बना लीजिए। 90% जो है मिनिमम न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत होता है वो होता है मक्का या मेज में। इस टेबल से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 3 सालों में, 3 साल में 2 क्वेश्चन आए हैं इस टेबल से, तो ये टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 90% जो है न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत होता है मिनिमम जर्मिनेशन परसेंट, वो तो होता है आपका मक्का या मेज में। 85% आपका होता है बीट, गेहूं, बार्ले या जौ, ओट या जई, चिकपी या बंगाल ग्राम या चना में। ठीक है, 80% मिनिमम जर्मिनेशन परसेंट या न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत होता है आपका धान या पैडी, हॉर्स ग्राम या कुल्थी, जिंगली, सिसमम या तिल, सनहेम्प या सनई, लूसन या लूसर्न। 75% होता है आपका रागी, सोरघम या ज्वार, रेड ग्राम या अरहर, ब्लैक ग्राम या उड़द, ग्रीन ग्राम या मूंग, काउपी या लोबिया, पी या मटर, फ्रेंच बीन या राजमा। ठीक है, इसे टेबल को बना लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे है आपका 70% जो है आपका होता है ग्राउंडनट, मूंगफली, सनफ्लावर में, सूरजमुखी, सोयाबीन, ठीक है, ब्रिंजल, बैगन, टोमेटो, टमाटर, कैबेज, पत्ता गोभी, नॉल खोल, कांट गोभी, ओनियन, प्याज, रेडिस, मूली, टर्निप, सलजम, क्लस्टर बीन, ग्वार, ढेचा और मोरिंगा में जो है आपका मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज या न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत जो होता है वो होता है 70%। बात करें 65% की, वो तो होता है वो कॉटन, कपास, ओकरा या भिंडी, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, कोरिएंडर या धनिया में जो है आपका मिनिमम जर्मिनेशन परसेंट या न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत होता है वो होता है आपका 65%। बात करें 60% तो वो किस फसल में होता है आपका, पपाया, पपीता, बीट रूट, चुकंदर, कैरेट या गाजर, चिली या मिर्च या कुकुरबिटेसी, या कुकुर जो कुकुरबिटेसी परिवार में जितने भी आपके जो जो आपके सब्जियां आती हैं या जो आपकी वेजिटेबल्स आती हैं वो उसका पूरे के पूरे जो कुकुरबिटेसी जो कुल है उसका जो होता है आपका 60% जर्मिनेशन प्रतिशत होता है। इस टेबल को बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 3 साल में 2 क्वेश्चन इस टेबल से आना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क कोकून विच मेक यूनिफॉर्म थ्रेड्स इज नोन एज, रेशम के कोकून को खोलना जो एक समान धागे बनाता है कहलाता है, ऑप्शन ए स्ट्रिपिंग, ऑप्शन बी रेटिंग, ऑप्शन सी रीलिंग, ऑप्शन डी स्टिपलिंग या ऑप्शन ई रिबोनिंग। बताइए आंसर क्या हुआ। रेशम के कोकून को खोलना जो एक समान धागे बनाता है। बात करें इसके सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी रीलिंग। जो आपकी रीलिंग की प्रक्रिया है उसमें जो आपके कोकून है उसको जो है गर्म पानी में जो है मतलब डाला जाता है, उसको खोला जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रीलिंग कहा जाता है। आगे बात करें अगली प्रक्रिया स्पाइनिंग या कताई की, जो आपके कोकून है, कोकून के विच्छेदित तंतु जो आपके मैंने आपने रीलिंग से जो आपके जो जो आपका जो तंतु है या ये कहें आपका जो रेशा है उसको निकाल लिया, से एकल सूत बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा, जो सूत काटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कताई या स्पाइनिंग कहा जाता है, ठीक है। बात करें अगले टर्म्स की, निकिंग की, मैंने कुछ टर्म यहाँ पर ऐड कर दिए क्योंकि यहाँ पर टर्म से क्वेश्चन था तो मैंने कुछ टर्म यहाँ पर ऐड कर दिए। बात करें निकिंग की तो निकिंग में, निकिंग का अर्थ है दो जनकों में एक साथ होने वाला पुष्प, मतलब कि साथ साथ अगर कि आपका पुष्प आ रहे हैं या फ्लावर आ रहे हैं दोनों जनक में, दो जनकों में एक साथ होने वाला पुष्प मतलब कि दो पेरेंट्स हैं उनमें एक साथ मतलब कि फ्लावर आ रहे हैं, तो ये होता है आपका किसमें, क्रॉस पॉलिनेशन में, किसमें होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में, या हिंदी में ये कहें जो क्रॉस को क्या कहते हैं, एक तो आपका होता है स्वपरागण, पर परागण जिसमें कहें पर परागण में होता है, यह ज्वार में होने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है। बात करें अगली है जर्किंग, यह प्रक्रिया बाजरा, जर्किंग प्रक्रिया किसमें होती है, बाजरा में अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया में बाजरा रोपाई के 20 से 25 दिन बाद या पहले दिन बाद पहले टिलर को 20 या 25 दिन बाद पहले टिलर या पहले बनने वाली ईयर हेड्स को हटा दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाजरा में एक समान फूल आते हैं। अगली बात करें स्ट्रिपिंग की, तो स्ट्रिप जूट से सड़ान या सड़ाने की, जूट को सड़ाने की प्रक्रिया या रेटिंग की प्रक्रिया के बाद जूट के तने को से जो जूट का तना है उससे रेशे को अलग करने की प्रक्रिया जो है आपकी स्ट्रिपिंग कहलाती है। बात करें रेटिंग की या सड़ाने की, या जूट के तने को पानी में भिगोने की प्रक्रिया है ताकि जूट का रेशा ढीला हो जाए जिससे रेशे को आसानी से अलग किया जा सके। जो आपके जो देखो आप अगर कि जूट को पानी में डालो, जूट के तने हैं तो वो क्या हो, जो आपका पानी उसमें विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स होंगे, अब जो आपके सूक्ष्म जीव होंगे, उससे क्या होगा कि जो आपके जो तने हैं थोड़े से लूज हो जाएंगे या ढीले हो जाएंगे। वो क्या है, जो जो आपकी प्रक्रिया जो आपके पानी में भिगोएंगे तो आपके जो माइक्रोब्स हैं वो उसमें कुछ ना कुछ तो क्रिया करेंगे, कुछ ना कुछ उसको सड़ाएंगे, तो उसकी जो सड़ाने की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, रेटिंग या रेटिंग कहते हैं या सड़ान कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है, रेड डिलीशियस इज अ वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप, रेड डिलीशियस निम्नलिखित में से किस फल की किस्म है, ए प्लम आलू बुखारा, बी चेरी, सी एप्पल, डी डेट प्लम या खजूर, या ई ग्रेप। जल्दी से आंसर लिख दीजिए ए बी सी डी। बात करें इसके सही उत्तर की, जो आपका एप्पल है या सेब है तो जो आपकी रेड डिलीशियस वैरायटी वो किसकी वैरायटी है, आपकी सेब की वैरायटी है। इसी के साथ आज का जो है 15 क्वेश्चन जो है खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट जो है आपके जो है 16वें क्वेश्चन से आपका स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है, क्योंकि मैं इसका डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ डिटेल डिस्क्रिप्शन, इस वजह से आपका जो है पूरा का पूरा नहीं ले पा रहा हूँ आपका लेक्चर, ठीक है, इस वजह से, वरना मैं एक ही दिन में आपके 60 क्वेश्चन करवा दूँ, लेकिन मैं नहीं करवाना चाहता 60 क्वेश्चन, क्योंकि मैं 15-15 क्वेश्चन करके आपको डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा तो आपको जो है अच्छे से नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो आप ठीक है, साथ में साथ आप क्लास को भी ज्वाइन करते रहिए, आपका पहला जो है सीरीज हो गई है, दूसरी आपकी 16 से 30 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपकी कल शाम को 7 बजे बढ़िया से जुड़ जाइए, अगर कि आप एएफओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जो आपका अन्नदाता बैच है आप ही के लिए है, हिंदी में है पूरा का पूरा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर आपको जो है क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी। और जो आपकी इसकी जो है रिकॉर्डिंग की बात है तो आपकी रिकॉर्डिंग इसके द्वारा से वीडियो डाल देंगे, जिससे आपके जो लोग जो है डिसकनेक्ट हो गए थे लाइव वीडियो से वो आपकी बाद में देख सके। थैंक यू विजन एग्री एकेडमी से जुड़ने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि वो जुड़ सके,
जो गरीब परिवार से हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कि आपको कुछ भी यूजफुल, हमसे कुछ भी अच्छा मिल रहा है आपको, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन एग्री अकेडमी।